आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने वाली हूँ। जब भी आप इंटरनेट रिचार्ज करते हो या फिर आपका ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर जब आपको रिचार्ज प्लान्स बताते हैं, तब वो पर्टिकुलर रिचार्ज के लिए 30 Mbps स्पीड बताते हैं, लेकिन जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तब उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और हमें MB/s दिखाते हैं। MB जिसमें स्मॉल भी होता है उसे मेगाबिट कहते हैं, जो कि इंटरनेट कनेक्शन स्पीड डिनोट करता है, और MB जिसमें कैपिटल भी होता है उसे मेगाबाइट कहते हैं, जो कि फाइल साइज डिनोट करता है। 8 bits = 1 byte होता है, मतलब 16 Mbps/s / 8 = 2 MB/s होता है, और 2 Mbps/s * 8 = 16 Mbps/s होता है। इसका कंक्लूजन ये है कि जब आपको 30 Mbps स्पीड का प्लान मिलता है तो 30 Mbps / 8 यानी 3.75 Mbps/s की फाइल 30 Mbps की इंटरनेट स्पीड से डाउनलोड होती है।